फेरिया टाउन में नए टैक्सेस क्यों लगाए गए हैं और वो टैक्सेस हैं कितने और उन टैक्सेस का इम्पैक्ट कितना आएगा या आ रहा है डे बाय डे, फाइलर नॉन फाइलर सेलर के ऊपर कितना है, बायर के ऊपर कितना है, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी हैं बैरिया टाउन में इनकी इनका इन पर इम्पैक्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बैरिया टाउन कराची अपडेट्स हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं अली रजा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया टाउन में नए टैक्सेस क्यों लगाए गए हैं और वो टैक्सेस हैं कितने और उन टैक्सेस का इम्पैक्ट कितना आएगा या आ रहा है डे बाय डे, फाइलर नॉन फाइलर सेलर के ऊपर कितना है, बायर के ऊपर कितना है, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी हैं बैरिया टाउन में इनकी इनका इन पर इम्पैक्ट कैसा है इनका, और क्या बढ़ते हुए टैक्स में बायर बाइंग करने आएगा बैरिया टाउन में, तो इस पर आज बात करते हैं। सिर्फ एक शॉर्ट सी वीडियो है इसी टैक्स के हवाले से। तो जनाब आपको बताते हैं कि नई अपडेट ये है, बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट सेक्टर पर तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि टैक्सेस का पहाड़ गिरा दिया गया है, टैक्सेस का बम गिरा दिया गया है। वो कैसे है अभी बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप 125 गज का प्लॉट लेंगे बहरिया टाउन कराची में किसी भी ब्लॉक में और आप नॉन फाइलर हैं, यानी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तकरीबन 35 से 80 लाख के दरमियान का, आपकी रेंज के मुताबिक आप किसी भी ब्लॉक में प्लॉट लेंगे तो आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बायर हैं नॉन फाइलर हैं तो आपको टैक्स देना होगा 7%, जो कि बनता है तकरीबन 1,07,000 रुपये। ये टैक्स एक बड़ी अमाउंट है, इससे पहले 28,000 रुपये टैक्स दिया जाता था और 28,000 से एकदम से 1,07,000 रुपये 2 से 7% बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ी रेशो से टैक्स को बढ़ाया गया है जिसका इम्पैक्ट बढ़ा है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो सेलर हैं उनको इस मामले में थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन नए बायर के लिए बहरिया टाउन कराची में प्लॉट लेने के लिए उन्होंने थोड़ी सी मुश्किलात, या ये समझ लीजिए कि नॉन फाइलर के लिए मुश्किलात इसलिए डाली हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस टैक्स के सर्कल में ऐड किया जाए। तो आप अगर नॉन फाइलर हैं, बायर हैं, आपको 7% टैक्स अदा करना है, और अगर आप बायर हैं और फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो आपको देना होगा 2% टैक्स, यानी तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप फाइलर नहीं हैं और फाइलर हैं तो इसमें कितना बड़ा गैप है पेमेंट्स का, परसेंटेज का, यानी 5% टैक्स आपको फाइलर के मुकाबले में ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप सेलर हैं और अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स, बड़ा मामूली टैक्स बनता है, वो देना है। सेलर के लिए बड़ी अच्छी छूट रखी गई है, यानी 125 गज के प्लॉट पर आपको 28 से 30 हज़ार कमो पेश टैक्स देना होगा। लेकिन मामला आएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और सेलर हैं तो आपको टैक्स देना होगा 4%, यानी बायर के लिए नॉन फाइलर 7%, सेलर के लिए नॉन फाइलर 4%। तो ये तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 60,000 रुपये टैक्स बनता है अगर आप 125 गज का प्लॉट सेल कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ कि जो भी बायर हो या सेलर हो, अगर वो फाइलर है तो आपको 2% टैक्स अदा करना है, अगर वो बायर जो नॉन फाइलर है तो 7% टैक्स अदा करना है, अगर सेलर नॉन फाइलर है उनको 4% टैक्स अदा करना है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर एक तरह से इनाम है उन तमाम लोगों के लिए, कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, यानी पाकिस्तान से कहीं भी मूव करके आप वहाँ अपना काम करें, जॉब करें, जो कुछ भी करें, और आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ 2% टैक्स देना है। आप फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं, अगर आपके पास नाइकॉप है तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी कंसीडर होंगे, और ये एक तरह से फेवर है
तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि वो टैक्स 2% देंगे उनको, वो फाइलर नॉन फाइलर ये मैटर नहीं करेगा। तो ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी तो चाहते हैं कि ज़्यादा टैक्स ना हो, वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में अपने वतन में प्रॉपर्टी ले सकें, प्लॉट्स या जो भी चीज़ें वो लेना चाहें वो ले सकें। तो ये आज की वीडियो की अपडेट्स हैं, कोशिश करते रहेंगे कि इससे मंसूब अगर कोई नई अपडेट है या कोई और हम खबर या अपडेट समझेंगे बैरियर टाउन कराची के एतबार से जो आपको देना लाजिम होगी, तो इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।